छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे का काम शुरू हो चुका है। हम बात कर रहे हैं अभनपुर राजिम गरियाबंद देवभोग से उड़ीसा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे का। यह नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ को सीधा उड़ीसा के बल्दीमाल को जोड़ता है। यह नेशनल हाईवे उड़ीसा के जूनागढ़ और भवानीपट्टनम शहर को जोड़ता है। यह नेशनल हाईवे 219 किलोमीटर लंबा होगा। इस नेशनल हाईवे से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस नेशनल हाईवे की खास बात यह है कि इसे रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। यह एक्सप्रेसवे भी अभनपुर से विशाखापट्टनम को कनेक्ट करेगा, जिससे इस नेशनल हाईवे से उड़ीसा के बल्दीमान को विशाखापट्टनम से सीधा कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस नेशनल हाईवे की बात करें तो यह नेशनल हाईवे अभनपुर से शुरू होकर गोबरा नवापारा, राजिम, गरियाबंद, देवभोग, मैनपुर होते हुए उड़ीसा के बल्दीमान को जोड़ेगा, जिससे उड़ीसा के बड़े शहर भवानीपट्टनम को सीधा ही कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इस नेशनल हाईवे में राजिम और गरियाबंद में रोडवर्क का काम शुरू हो चुका है। यह नेशनल हाईवे जिन जिन क्षेत्रों से गुजरेगा वहाँ 4-लेन नेशनल हाईवे बनाया जाएगा और जंगल क्षेत्रों से गुजरने पर इसे 2-लेन बनाया जाएगा, ताकि जंगलों को ज़्यादा हानि ना पहुँचे। इससे यहाँ के लोगों को रायपुर और धमतरी पहुँचने में आसानी होगी। रायपुर से धमतरी 4-लेन नेशनल हाईवे का काम भी करीब पूरा हो चुका है। राजिम और गरियाबंद के चारों ओर के क्षेत्र का 4-लेन रोड के विस्तार होने से यहां व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ रहा है। मैंने इस क्षेत्र में जिस प्रकार डेवलपमेंट होते देख रहा हूं, उस हिसाब से यहां रोजगार के साधन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोगों को अपने रोजगार के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ इन क्षेत्रों में बहुत से राइस मिल और अन्य फैक्ट्रियाँ होने की वजह से यहाँ रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध है। अब यह नेशनल हाईवे का काम भी शुरू हो चुका है। अब यहाँ के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।